हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने जो अभी क्लिप देखी वो मेरे बर्थडे 18 जुलाई की है और यहाँ मेरे बर्थडे के साथ साथ नायरा भी स्कूल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस दिन के लिए। अंकित मेरे लिए करेंसी गन लेकर आए थे जो कि हमसे उस टाइम नहीं चली, और अंकित ने मुझे बहुत प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट दिया जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग अचानक से कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जयपुर नायरा का बर्थडे एंड मेरा पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। सो आइए आप सबको भी अपने साथ जयपुर लेकर चलती हूँ। जयपुर पहुँच के हमने होटल में चेक इन करा एंड डिसाइड करा कि आज होटल के रेस्टोरेंट में ही डिनर करते हैं। यहाँ का फ्लोर बहुत ज़्यादा स्लिपरी था इसलिए बार बार नायरा स्लिप होकर गिर रही थी। जब तक हमारा डिनर रेडी हो रहा था तब तक हमने सोचा कुछ लाइफ टाइम मेमरीज़ को हम कैप्चर करते हैं एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। यहाँ नायरा मेन्यू चेकआउट कर रही है एंड कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही है। हम सब बहुत थक गए थे और बहुत नींद भी आ रही थी। रेस्टोरेंट का फ्लोर बहुत स्लिपरी था, नायरा बार बार स्लिप होके गिर रही थी। शायद इसी वजह से वो यहाँ पे क्रॉल करने लगी। आई डोंट नो यही रीज़न था या कुछ और था, बट वो क्रॉलिंग कर रही थी और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। रूम में जाते हुए हमने कुछ मेमरीज कैप्चर करी। खाना आईज में क्या हो गया? दूसरी वाली आईज दिखाओ मम्मा, कुछ इधर आओ वाली आईज दिखाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग नायरा जब सोके उठी तो उसकी आईज स्वेल थी। हमने एक क्लिप बना के उसके डॉक्टर को भेजी तो पता चला उसको आई फ्लू हुआ है एंड कुछ आई ड्रॉप्स उन्होंने प्रेस्क्राइब कर। यहाँ पापा बेटी की जिद को कैसे मना कर सकते थे। नायरा चाहती थी उसको आई रेडियो उसके पापा करे, सो पापा इज ऑन ड्यूटी टूडे। फिर रेडियो के हमने डिसाइड करा कि अब ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। हम लोग एक नियर बाई कैफ़े में ब्रेकफास्ट के लिए गए। कैफ़े डिटेल्स में कैप्शन में चाल दूंगी आपके लिए। हमने यहाँ पर जो भी ऑर्डर करा, जितना भी ऑर्डर करा, ट्रस्ट मी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का एम्बियंस, द फूड, द सर्विस, एवरीथिंग वॉज सो 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 गुड। मतलब आप लोग जब भी कभी जयपुर विजिट करेंगे तो आप ये प्लेस ज़रूर विजिट करिएगा। इसका नाम है टपरी सेंट्रल। मैं बाकी सारी डिटेल्स आपको कैप्शन में डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नायरा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। किस चीज़ के लिए ज़िद कर रही थी आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ इसको एक क्लाउन वाला सॉफ्ट टॉय बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ये सॉफ्ट टॉय हैंडमेड था एंड बिलीव मी बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, और अब हम इसकी ज़िद को कैसे मना कर सकते थे। हमने इसको लेकर दे दिया एंड शी वॉज सो हैप्पी विद इट। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी डिसाइडेड कि अब हम एक एक करके फोर्ट्स विजिट करते हैं। सबसे पहले हम जैगर फोर्ट गए जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी जैगर फोर्ट में ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ओवरऑल जयपुर में इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जाने से पहले हमें किसी ने कहा था कि जयपुर का वेदर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट बिलीव मी गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इतना ह्यूमिड था। नायरा तो पूरे टाइम कार में सोती रही एंड वहाँ फोर्ट जाके उठी, तो स्टिल मोस्ट ऑफ टाइम उसने अपनी प्रैम में ही स्पेंड करा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जयपुर विजिट कर रहे हैं या फिर राजस्थान विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ समर्स में ना करें, और इवन आप बच्चे के साथ कर रहे हैं अगर तो बिल्कुल भी समर्स में ना करें। यहाँ इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी नायरा कि वी डिसाइडेड कि हमें ज़्यादा देर यहाँ स्पेंड नहीं करना चाहिए टाइम। हमने यहाँ पे कुछ मेमरीज कैप्चर करी एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग अब होटल वापस चलते हैं एंड वहाँ जाके एक डेढ़ घंटा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। इवनिंग में कुछ प्लान करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। फोर्ट से वापस आने के बाद हमने होटल में ही लंच करा एंड एक डेढ़ घंटे के लिए सो गए। सो के उठने के बाद आप देख सकते हैं नायरा और अंकित कितना फ्रेश उठे और एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इट्स टाइम टू डिसाइड कि हमें इवनिंग स्पेंड करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज नायरा को आई फ्लू हुआ था एंड बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी थी। सो हम कोई ऐसा प्लेस चाहते थे जहाँ हम अच्छे से इवनिंग स्पेंड कर सके और नायरा की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब ना हो, कोई ऐसा ना हो कि हमें ये ट्रिप यहीं पर एंड करके घर वापस जाना पड़े। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ जाया जाए। मीनवाइल ये दोनों अभी भी एंजॉय कर रहे हैं और इन लोगों में क्या क्या के थक गई, उठो रेडियो, बट नहीं, इन्हें एंजॉय करना है। पीछे करो जल्दी से। एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग चौकी धानी चलते हैं, वहीं पर हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और डिनर भी वहीं हो जाएगा। सो हम लोग चौकी धानी गए एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप जयपुर जा रहे हो तो चौकी धानी ज़रूर विजिट करके आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
यहाँ आपका राजस्थानी कल्चर से तिलक के साथ वेलकम होगा। मैं थर्ड या फोर्थ टाइम जयपुर विजिट कर रही हूँ, मैं चौकीधानी ज़रूर आती हूँ। नेक्स्ट टाइम भी मैं जयपुर जाऊँगी तो चौकीधानी ज़रूर आऊँगी। यहाँ आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग थाली चूज़ कर सकते हो जो कि आपको डिनर में लेनी है। जैसा डिनर आपको करना है चूज़ कर सकते हो। सो हम लोग निकल गए चौकीधानी एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ की एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले मैंने कैमल राइड करी नायरा के साथ। नायरा का फर्स्ट टाइम था कैमल पे तो वो थोड़ा सा डर गई थी, बट स्टिल उसने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। सो कैमल राइड के बाद भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज एंजॉय करी, जैसे एलिफेंट राइड, बोट राइड, हॉर्स राइड एंड बहुत ही सारी एक्टिविटीज यहाँ पे दी। गेम्स थे बहुत सारे, हमने सब कुछ बहुत एंजॉय करा। एंड एक इवनिंग तो चौकीधानी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत छोटी है। एंड आप देख सकते हो अंकित ने नायरा के साथ क्या किया, वो इतना ज्यादा डर गई थी, बट स्टिल अंकित ने जो करना है वो करना है। आप देखिए अंकित ने क्या करना है। सो अंकित को इसी टाइप की एक्टिविटीज पसंद आती है और वो ऐसी ही एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। आप देखिए नायरा क्या एंजॉय करती है। अब हमने सोचा डिनर कर लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट डे नायरा का बर्थडे भी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ऑब्वियसली टुडे इज नायराज बर्थडे। हमें अब इस होटल से चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करना था। सो हमने सोचा थोड़ी सी मेमोरीज कैप्चर कर लें। एंड यहाँ नायरा, वाइल हम लोग चेकआउट फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रहे थे, नायरा एंजॉय करने लगी। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपको सारी डिटेल्स कैप्शन में मिल जाएगी कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ गए एंड हमने क्या क्या करा। सो मैं नायरा को किसी तो चीज के लिए ब्राइब कर रही हूँ कि वो मुझे किस करेगी, तो मैं उसे कुछ तो दिलाऊंगी, क्या दिलवाऊंगी वो मुझे पता नहीं है। सो यहाँ पे प्रॉपर केक अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने छोटे से यम्मी से चीज केक के साथ नायरा का बर्थडे सेलिब्रेट करा एंड हमने उसकी सेकेंड बर्थडे की मेमोरीज को यहाँ पर कैप्चर करा। नायरा वॉज सो हैप्पी, शी वॉज एंजॉइंग सो मच। उसने केक भी फर्स्ट टाइम खुद से ही कट करा। आप में से किस किस को अपने बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट होती है और स्पेशली होटल रूम अलॉट होने की इतनी एक्साइटमेंट होती है जितना कि आप देख रहे हैं इस बच्चे को हो रही है। ये कंटिन्यू बेड पे जंप करे जा रही है, पता नहीं किसी दुनिया में है, बस खेले जा रही है टच वुड। एंड यहाँ पे वो तोता और मैना और खेल रही है क्योंकि नायरा का आई फ्लू भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और मेरे को भी आई फ्लू हो गया था, प्लस बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो हमने डिसाइड करा कि हम लोग थोड़ा सा पूल में टाइम स्पेंड करते हैं, इवनिंग के लिए कहीं बाहर जाएंगे। सो ये नायरा का फर्स्ट पूल एक्सपीरियंस होने वाला था। इससे पहले नायरा कभी भी पूल में नहीं गई थी एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी। वो बहुत ही ज़्यादा अपना पूल टाइम एंजॉय कर रही थी एंड वो पापा को कह रही थी कि पापा आप मुझे छोड़ दो, मैं खुद पूल में जाऊँगी एंड अकेले रहूँगी। अब उसको इतने डीप पूल में हम कैसे छोड़ सकते हैं, कौन उसको समझाए। यहाँ मैंने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया था पूल में। देन यहाँ पे अंकित ने मजाक में नायरा को बोला नायरा जंप, और देखिए उसने जंप कर भी दिया। मतलब बच्चे को हम कैसे समझा सकते हैं कि पूल बहुत डीप है, अगर वो जंप करेगी तो उसको कुछ हो जाएगा, पर नहीं ठीक है। बट दोनों ही पापा बेटी ने बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करा एंड पूल से जाने के बाद उसने रूम में टब में भी बहुत एंजॉय करा। अब आपको एक क्यूट सी क्लिप दिखाती हूँ। Then we went out for dinner and Naira's birthday.
यहाँ आके हमने नायरा की केक कटिंग करी, डिनर करा, एंजॉय करा, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा। बिकॉज शी लव डांसिंग, यहाँ पे भी उसने डांस बहुत करा एंड बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा। सो इसी के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, नायरा का बर्थडे एंड हो गया एंड ट्रिप भी एंड पर आ गया। आज हम लोग वापस घर जाने वाले हैं। यहाँ हमने सोचा कि क्यों ना बाथटब में नायरा को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दिया जाए और उसको थोड़ा सा एंजॉय करने दिया जाए। तब तक मैंने सारी पैकिंग कर ली एंड मैं भी रेडी हो गई थी। अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे। चेकआउट के टाइम पे नायरा को यहाँ पे लग रहा है कि उसका लगेज पता नहीं भैया ये कहाँ पे लेके जाने वाले हैं एंड इसको वापस नहीं मिलेगा। एंड यस, जब तक हमने ये इसको सूटकेस निकाल के नहीं दे दिया तब तक ये बच्ची यहाँ पे ऐसे सूटकेस के पास खड़ी रही एंड निकालने के बाद भी ये सूटकेस लेके घूमती रही, इसने किसी को नहीं दिया। और आगे देखिए, जब हमने सूटकेस कार में रख दिया तो ये इस तरह रोई कि पता नहीं क्या हो गया, इसका सूटकेस कौन ले गया। एंड इसी हैप्पी नोट के साथ हमारा प्यारा सा छोटा सा हैप्पी सा जयपुर ट्रिप खत्म हो गया एंड हम लोग घर के लिए निकल गए। हम लोगों ने जयपुर बहुत एंजॉय करा। बस यही कहूँगी, अगर आप बच्चे के साथ जयपुर विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ गर्मी में मत करिएगा, करिएगा तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। गुड बाय जयपुर, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।